बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज प्लान बना था भाई, चलो मोहम्मद को लेके चलते हैं अबरा राइड पे, क्योंकि मोहम्मद 1 ईयर का भी नहीं था जब गया था अबरा राइड पे। आज मोहम्मद की फ़र्स्ट टाइम जो है अबरा राइड है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं बरदुबई डेरा से, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए अबरा राइड को और मोहम्मद की मज़े की मीठी मीठी सी बातों को। मत थोड़ा से यहाँ की तरफ हो, हाँ ऐसे चुके हैं बरदुबई ओल्ड सूक। यहाँ पर जो है पुराने आर्किटेक्चर के साथ इन्होंने अभी तक अपना जो पुराना माहौल था वही रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छा सा बाज़ार है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ चीज़ें जो है चीप प्राइजेस में हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। खैर यहाँ से शॉपिंग करना हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छी जगहें इससे भी ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो इधर से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जो भी प्राइजेज ये लोग दे रहे होते हैं वो ले लेते हैं। खैर हम लोगों को ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप बहुत अच्छी लगी थी, मैंने यहाँ से हैंड पेंटेड बाउल वगैरह लिए थे। तो हम लोग ऐसे ही बरदुबई के अंदर घूम रहे थे, हमने सोचा था कि हम अलसीब जाएँगे, लेकिन बोट जो है वो आगे होती है, हम पहले ही बोट में अबरा में बैठ गए थे। तो खैर हमने सोचा बाय वॉक चलते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो इतना ज़्यादा नहीं चला जा रहा था। मैंने कहा अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम लोग वापस हो लिए और हमने कहा चलो अब वापस चलते हैं डेरा की तरफ ही। तो मगरिब की अजान भी हो गई थी और फिर हम लोग जो है वापस आने के लिए लगे, तो यहाँ पर दूसरा बाज़ार भी आ गया था। बस यहाँ पर जो है इसी तरीके का बाज़ार है, आप लोग उनको अगर कभी कुछ लेना हो, यहाँ पर जो है ओल्ड सूक पे जो है मसाले और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं बहुत ही अच्छे। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि अबरा राइड जो कि डेरा से बरदुबई आती है वो सिर्फ़ 1 दिरहम पर पर्सन होती है और बहुत ही अच्छा चीप वे है ये डेरा से बरदुबई और बरदुबई से डेरा जाने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बरदुबई में उनका रेजिडेंस है और जो है वो डेली अपनी जॉब के लिए डेरा ट्रैवल करते हैं,
और बहुत सारे डेरा से जो है इधर आते हैं अपनी जॉब्स पर, तो ये उनके लिए बहुत ही इजी और चीप वे है ट्रैवल करने का। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी जो है गाड़ी पार्क हुई हुई थी, बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी है वहाँ पर। हम इजीली अपनी गाड़ी को पार्क करके हमने फुल डे पार्किंग लगाई जैन धर्म्स की, और फिर आगरा से हम इधर आ गए। बहुत ही मज़ा आया। अब आप हमारी जाते हुए की राइड को इंजॉय कीजिए, जो कि हम बर्फबारी से डेरा की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी हवा थी आगरा में, तो अच्छा लग रहा था। तो तुम
बी केयरफुल, साफ थोड़ी करी। तो अब हम लोग अपने पार्किंग की तरफ वापस आ चुके हैं। हम लोग अपनी गाड़ी को साफ़ करने के लिए बोल के गए थे और जो है उन्होंने अभी तक साफ़ नहीं करी। हमने सोचा था 2-3 घंटे हमें लग ही जाएंगे, तो हमने उसको 3 आवर्स का बोला था, तो उसने अभी तक साफ़ नहीं करी। खैर फिर हमने अपनी बैठकर जो है गाड़ी क्लीन करवाई और हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग चलते हैं, आज ट्यूसडे है तो पिज़्ज़ा हट में 1 get 1 फ्री होता है, तो हमने कहा चलो भाई आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अलरिका स्ट्रीट पे पिज़्ज़ा हट, और यहाँ पर हमने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए हैं। मुझे यहाँ का चिकन रैंच पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को अच्छा लगता है बारबेक्यू पिज़्ज़ा। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और साथ ही पोटैटो वेजेस भी मंगवा लिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हमने चाय वगैरह स्नैक्स कुछ भी नहीं लिया था शाम में। तो यहाँ आ चुके हैं हमारे पोटैटो वेजेस और आने वाला है हमारा पिज़्ज़ा। हम लोगों को यहाँ का हर्शीज़ कुकिंग भी बहुत पसंद है, वो भी बेक्ड होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग भी कभी आएँ तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआ में अपनी मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।